What is good? कैसा का शांकुलिया coming at you from my room. और कुछ वीडियोस पहले मैंने एक पोल डाला था कि क्या मेरे को अपने स्कूल लाइफ के ऊपर एक ब्लॉग बनाना चाहिए, और काफी लोगों ने कहा था हाँ. तो ये वो वीडियो है. So, कुछ दिन पहले मेरे को मेरे दोस्त ने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि स्कूल में अलुमनाई मीट होने वाली है. इसका मतलब सारे पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है स्कूल में एंड उनके लिए कुछ परफॉर्मेंसेस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. आफ्टर द परफॉर्मेंसेस लोगों को बोला जाता है कि जाओ इधर उधर घूमो स्कूल में, अपने मेमोरीज याद करो और नॉस्टैल्जिया खेलो. ऑफ कोर्स कुछ एक्स स्टूडेंट्स नहीं आ पाते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, जैसे कि वो शायद बिजी होते हैं अपने कामों में या फिर वो इस सिटी में नहीं रहते. तो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जो नहीं आ पाए थे. इस वीडियो को देख के आई होप आपको मेमोरीज याद आए और आपका दिन अच्छा जाए. तो अगर आपने मेरे को फॉलो किया है इस चैनल पे तो आपको तो पता ही चल चुका होगा अभी तक कि मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल को बिलोंग करता हूँ, DPS नवी मुंबई. एंड बचपन में जब हम लोग उरण से बेलापुर शिफ्ट हुए थे, दैट वाज ओनली सो दैट आई कुड हैव अ बेटर एजुकेशन. सो या गेटिंग एडमिशन इनटू DPS वाज अ वेरी बिग डील फॉर मी. तो ये कहानी शुरू हुई 2003 में जब मैं 6 साल का था और फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया था मैंने DPS में. और पहला दिन इसी गेट से अंदर गया था मैं, और तभी मैंने ये सोचा भी नहीं था कि अगले 10 साल मेरे जिंदगी के सबसे यादगार साल होंगे. स्कूल के बाद जो भी होता है इट डजंट रियली मैच अप टू इट, राइट? और अभी हम फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात कर ही रहे हैं तो गर्वित पुगालिया अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लेट मी रिमाइंड यू कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के फर्स्ट डे पे फर्स्ट बेंच पे आप सो गए थे. क्या कर रहे हो? मैं नहीं भूला और आपको भी नहीं भूलने दूंगा. फिर साल आगे बढ़ते गए, हम बढ़ते गए और जाके पहुंचे फिफ्थ स्टैंडर्ड में, जब इधर रियलाइज हुआ कि भैया फुटबॉल खेलते हैं. और चैनल पे मैं इतना फुटबॉल करता हूँ और आज तक मैंने आपको अपना स्कूल ग्राउंड नहीं दिखाया, जो कि बिल्कुल भी नहीं चलेगा, नहीं तो मुझे पाप लग जाएगा. तो देख लो यार, देख ही लो. तो जितनी मेहनत मैंने इस ग्राउंड पे की है उतनी शायद मैंने अंदर उस बिल्डिंग में भी नहीं की. एंड आई थिंक ये जो हमारा ग्राउंड है दैट इज द बेस्ट ग्राउंड इन नवी मुंबई जो किसी स्कूल के पास है. एंड आई थिंक ये अगर ग्राउंड नहीं होता तो मेरी लाइफ कुछ बहुत ही अलग होती. कहीं पे भी फुटबॉल खेल लो, कितने भी अच्छे ग्राउंड पे फुटबॉल खेल लो, अपने स्कूल ग्राउंड पे फुटबॉल खेलने का एक अलग ही मज़ा है. इसी ग्राउंड पे स्कूल से पहले 6:30 बजे सुबह फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए आते थे और इसी ग्राउंड पे इंटर हाउस फुटबॉल भी खेलते थे, जो कि हमारे लिए कोई वर्ल्ड कप से कम नहीं था. अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लासेस छोड़ के अपने कंट्री के प्राइड के लिए खेलने निकलते थे. तो अभी देख लो, आपको पता चल चुका होगा कि पूरे स्कूल का मेरा जो फेवरेट पार्ट है दैट इज़ अ फुटबॉल ग्राउंड. लेकिन अभी अंदर चलते हैं, डोंट वरी, थोड़ी देर बाद वापस बाहर आ जाएंगे. तो जो अलुमनाई मीट स्कूल ने ऑर्गेनाइज की थी वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि जिन लोगों ने आने की मेहनत की थी उनके लिए थोड़ा एक्सक्लूसिविटी तो बनता है. तो जैसे ही वो इवेंट खत्म हुआ मैं भाग भाग के सबसे पहले गया स्पाइरल स्टेयरकेस पे. क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है. स्कूल टाइम पे तो वहाँ से छुप छुप के जाया करते थे, लेकिन बेटा अभी अभी तो हम जाएंगे. स्पाइरल स्टेयरकेस से मैं भाग भाग के उतर रहा था और खुद को रिकॉर्ड कर रहा था और मैं ऑलमोस्ट गिर गया. शायद इस वजह से स्टूडेंट्स वहाँ पे अलाउड नहीं है. स्पाइरल स्टेयरकेस से उतरने के बाद सामने ही लेफ्ट साइड की तरफ पड़ता है मेडिकल रूम. मेडिकल रूम कुछ ज़्यादा ही खास है बच्चों के लिए, क्योंकि अगर कोई क्लास बंक करनी हो तो सर या पेट अपने आप दर्द करने लग जाता है और उस क्लास में वहाँ पे जाके बच्चे सो जाते हैं. अगर इस स्टेटमेंट को कोई डिनाई करता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है.
सिक्स स्टैंडर्ड से लेकर टेंथ स्टैंडर्ड तक मेडिकल रूम में मेरा काफ़ी ज़्यादा आना जाना रहता था। इसके बाद मैं घूमते घूमते पहुँचा अपने आखिरी क्लास में, जो कि थी टेंथ ई, जो कि सरप्राइजिंगली उसी रूम में है जहाँ पे मैं गया था व्हेन आई वाज इन टेंथ। अभी तक चेंज नहीं हुआ है वो, एंड इट वाज अमेजिंग, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल टू सी दैट क्लास। वो सारे जो मेमोरीज आ रहे थे मेरे दिमाग में, इट वाज जस्ट टू गुड। एंड एक बात मैंने नोटिस की कि बेंचेस अभी भी नहीं बदले गए हैं। तो इतना घूमने के बाद मुझे आया नेचर्स कॉल और जाना पड़ा मुझे वॉशरूम, और भाई मैं क्या देखता हूं, फाइव स्टार होटल वाला वॉशरूम इधर। आजकल के बच्चों को तो कोई स्ट्रगल है ही बॉडीज। तो उसके बाद रिसेस खत्म, अगले क्लास का टाइम आया तो मैं सीढ़ियां उतरने लग गया एंड मैंने नोटिस किया कि अरे यहाँ पे तो नेट्स लगे हुए हैं। हमारे टाइम पे तो नेट्स थे नहीं, लेकिन हम कभी गिरे भी नहीं। आजकल के बच्चे। उसके बाद हम घूम फिर के पहुंचे आर्ट रूम में। आर्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं। मैंने आज तक सिर्फ एक ड्राइंग सीखी है जिसमें दो माउंटेन्स हैं, एक सूरज है उनके बीच में, माउंटेन में से एक नदी निकल रही है और वहाँ पे एक घर है माउंटेन्स के पास, जिसका जो डोर है उसी के साइज का एक पाथवे है एंड आसमान में दो पंछी भी उड़ रहे हैं। उसको हम कहते थे सीनरी। और आधे से ज्यादा बार तो मैं कभी आर्ट बुक लेके नहीं गया, और उसके वजह से मेरी जो डायरी थी स्कूल की, जिसको हम एल्मनैक कहते थे, उसके येलो पेजेस में सारे रिमार्क्स होते थे, आर्ट बुक नॉट ब्रॉट, आर्ट बुक नॉट ब्रॉट, आर्ट बुक नॉट ब्रॉट। और येलो पेजेस से मुझे याद आया कि आई थिंक मेरे पूरे स्कूल लाइफ में मैं हार्डली कभी मैथ्स होमवर्क नोटबुक लेके गया था। जब भी टीचर पूछती कि होमवर्क का है, और मैम मैंने तो होमवर्क किया है, लेकिन मैं नोटबुक घर पे भूल गया। अगर ये भी आप डिनाई करते हो तो गॉड हेल्प यू। अभी अंदर की बातें काफी हो गई, जैसे मैंने पहले बोला था वापस बाहर चलते हैं। तो अभी जब हम बाहर निकलते हैं टूवर्ड्स द ग्राउंड, रास्ते में पड़ता है स्पोर्ट्स रूम, और वो है मोची का, I mean, यशवंत सर का ऑफिस। I'm sorry. यशवंत सर अगर आप ये देख रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सॉरी। और उनके ऑफिस के एग्जैक्टली सामने जो जगह है वहाँ पे वो बच्चों को एज अ पनिशमेंट कराते थे 25, यानी कि 25 पुशअप्स, जो अभी सुनने में कुछ खास डिफिकल्ट लगता नहीं है, लेकिन स्कूल में था। तो अभी चलते हैं टूवर्ड द बास्केटबॉल कोर्ट। बास्केटबॉल कोर्ट भी अपने स्कूल का एक नंबर। तो सीन ऐसा है कि बास्केटबॉल कोर्ट के साथ ज़्यादा मेमोरीज है नहीं अपने, क्योंकि बास्केटबॉल खेलना आता नहीं है, लेकिन अच्छा दिखता है तो रख लिया व्लॉग में, और क्या पता दूसरों की यादें जुड़ी हों। बास्केटबॉल कोर्ट के जस्ट पीछे पड़ता है DPS का स्विमिंग पूल, जो हमारे नसीब में नहीं था, लेकिन आजकल के बच्चे। ये जो पूल आपको दिख रहा है, ये हमें प्रॉमिस किया गया था 2002 में जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था, और 2013 में जब 10th के बाद मैं पास होके स्कूल से निकला, तभी भी कोई पूल नहीं था यहाँ पे। क्या ये पूल बना था जब हम लोग स्कूल में थे? अरे बनाएंगे जिस साल बनाया। प्रॉमिस किया गया था 2002 में, बना 2016 में। सीन्स
हम लोग एक्चुअली काफी ज्यादा लकी थे कि हमारा जो स्कूल का कैंपस था इट वॉज सो ग्रीन विद ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज, इट वॉज जस्ट अमेजिंग। और कल का जो इवेंट था दैट वॉज इन द ऑडिटोरियम, और आई थिंक आपको ऑडिटोरियम भी दिखाई देना चाहिए। ऑडिटोरियम है ये बना व्हेन आई वाज इन माय लास्ट ईयर ऑफ स्कूल, 10th के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया था। और ये जो स्टेज है इसके ऊपर मैं आज तक कभी चढ़ा नहीं, क्योंकि स्कूल लाइफ में ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस था नहीं अपने अंदर। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी अपने टीवी पे या फोन पे या किसी भी चीज पे, बेसिकली दिस चैनल, इट टुक अ लॉट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। लेकिन फिर भी मैं जो ऑडिटोरियम के क्लिप्स डाल रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि आप में से काफी लोग जो ये देख रहे हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ी हैं इसके साथ। वो जो 3-4 घंटे हम स्कूल में थे दैट वॉज मोर देन इनफ टू ब्रिंग बैक 10 years वर्थ ऑफ मेमोरीज, एंड दैट वॉज सच अ ब्यूटिफुल थिंग। स्कूल के टाइम की मस्ती आप जिंदगी में कभी नहीं कर सकते, दोज रियली आर द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। ये मैं रिसेंटली ही समझाऊँ कि स्कूल इज नॉट जस्ट अबाउट योर एजुकेशन, नॉट जस्ट अबाउट द टेक्स्ट बुक नॉलेज, आप कैसे इंसान बनते हो, आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, इट रियली मैटर्स अ लॉट ऑन विच स्कूल यू गो टू। तो यार जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जो अभी भी स्कूल में है, आई वुड जस्ट से कि मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम गाइस, ये टाइम वापस नहीं आने वाला। टेंशन मत लो यार, स्कूल है, इससे अच्छा कुछ नहीं है आगे जाके। ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मैं पूरा टाइम स्माइल कर रहा हूँ, वापस वो यादें आ रही है मेरे दिमाग में। तो ये थी मेरी स्कूल की कहानी जिसमें बहुत सारी मस्ती, थोड़ी सी पढ़ाई, बहुत सारा फुटबॉल और बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस। स्कूल के गेट के अंदर वो अपनी ही अलग एक दुनिया होती है। सो आई होप आपको भी ये वीडियो देख के अपने स्कूल टाइम की याद आ गई होगी। तो इसी के साथ कहानी खत्म। आज का जो स्टिकर है दैट इज बेस्ड ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, जिसके बारे में मैंने बात की थोड़ी देर पहले, एंड वो स्टिकर है विच सेज यू आर इनफ एंड ट्रस्ट मी यू गाइस आर इनफ। तो इसको लगा लेते हैं दीवार पे। एंड आई रियली होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, सो इफ यू डिड सो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, पुट अ कमेंट डाउन बिलो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज हेल्प मी ग्रो। इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय। चला आता मैं निकलता हूँ, बेटे अपन लव करें, गुड बाय, अलविदा। Hasta luego.